जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 अप्रैल को ईद थी और ईद भारत के मुख्य त्योहारों में से एक है और ऐसे में इस दिन कई असामाजिक तत्व समाज में शांति भंग करने के प्रयास करते हैं। ऐसे ही एक प्रयास हुआ था हरिद्वार जिले में, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से वो लोग कामयाब नहीं हो पाए हैं। दरअसल 22 अप्रैल ईद के दिन थाना झबरेड़ा के अंतर्गत भीम आर्मी के लोग बिना परमिशन कस्बा बाजार क्षेत्र में जुलूस निकालने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह, नगर अध्यक्ष इनामुल समेत 11 नामजद और 40 से 50 अज्ञात लोगों पर बिना अनुमति जुलूस निकालने पर एसएसपी हरिद्वार के स्पष्ट आदेश पर थाना झबरेड़ा के धारा 143, 144 और 153 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की माने तो इस जुलूस को किसी का कोई परमिशन नहीं ली थी और ऐसे में माना जा रहा था कि इस जुलूस से सामाजिक शांति भंग हो जाती, जिसके चलते जुलूस निकालने के कुछ ही देर के अंदर अंदर पुलिस ने जुलूस रोककर थाने में मुकदमा दर्ज करते हुए 43 पुलिस एक्ट के तहत डीजे मालिक जगदीश कुमार का 10,000 का चालान और डीजे वाहन टाटा 407 को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सीज कर दिया गया है। इसी के साथ ही पुलिस की सूझबूझ की वजह से एक बड़ा विवाद होने से टल गया।